रिव्यू एक्सरसाइज वन है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर फोर है. उसमें है ए इज इक्वल टू थ्री वन जीरो, बी मैट्रिक्स है फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, देन फाइंड द फॉलोइंग. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर के कुछ शार्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने हल करना है. उनमें सबसे पहले है हमारे पास टू ए प्लस थ्री बी. टू ए प्लस थ्री बी के लिए हम यहाँ पे वैल्यू मैट्रिक्स पहले लिखेंगे. टू ए मैट्रिक्स टू थ्री वन जीरो प्लस थ्री, हमारे पास बी मैट्रिक्स है फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई वर्डिंग है, इसमें डिजिट है हमारे पास टू, इसको हम इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर हम थ्री को नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे. तो ये उसके बाद हम यहाँ इसको प्लस करेंगे दोनों को. तो टू को हम करेंगे तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई. ये वाजे करके मैं कर देती हूँ, ये स्टेप यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम इसको जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कर रही हूँ कि सब बच्चों को समझ आ जाए. टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू वन टू इंटू जीरो प्लस, इसी तरह से हम थ्री को तमाम मैट्रिक्स के एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. थ्री इंटू फाइव माइनस थ्री, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस फोर, थ्री इंटू माइनस टू, थ्री इंटू माइनस वन. अब हमने इसको हल करना है. टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स, टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू, टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जीरो हो गया. प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स में थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस ट्वेल्व, थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स, थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन. ये था मल्टीप्लाई के बाद हमारी फाइंडिंग. उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं. यहाँ पे हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे. फोर प्लस फिफ्टीन, सिक्स प्लस इंटू माइनस ट्वेल्व, टू प्लस इंटू माइनस सिक्स, जीरो प्लस इंटू माइनस थ्री. इसके आंसर में फोर को फिफ्टीन के साथ प्लस किया नाइनटीन, ट्वेल्व सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस हो जाएगा तो माइनस सिक्स हमारे पास आंसर आएगा. प्लस माइनस माइनस, टू में से ये टू प्लस है और माइनस सिक्स है, सिक्स में से टू जो है माइनस हो जाएगा, माइनस फोर आंसर. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास माइनस थ्री आंसर. ये है हमारा आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर फोर का शॉर्ट क्वेश्चन वन जो कंप्लीट है और इसका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है. उसके बाद अगला क्वेश्चन कर. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फोर का शॉर्ट क्वेश्चन टू है. उसमें हमारे पास है माइनस थ्री ए प्लस 2b. जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, उसी मेथड से हल होगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे डिजिट चेंज है और यहाँ पे साइन जो है वो माइनस थ्री है. तो इसके लिए हम वैल्यू मैट्रिक्स लिखते हैं माइनस थ्री ए टू थ्री वन जीरो प्लस टू बी मैट्रिक्स फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको पहले मल्टीप्लाई किया था इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे. माइनस थ्री इंटू टू, माइनस थ्री इंटू थ्री, माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू फाइव, टू इंटू माइनस फोर, टू इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस वन. मल्टीप्लाई करते हुए माइनस थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स, माइनस थ्री को माइनस थ्री को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री, माइनस थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो प्लस टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया टेन, टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया
माइनस एट, टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर, टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू। अब हम इसे प्लस करते हैं, माइनस सिक्स प्लस टेन माइनस नाइन प्लस माइनस एट माइनस थ्री प्लस माइनस फोर जीरो प्लस माइनस टू। माइनस प्लस माइनस माइनस टेन में से सिक्स माइनस होगा फोर आंसर, यहाँ पे माइनस नाइन प्लस माइनस माइनस एट माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस फोर जीरो माइनस टू। फाइनल आंसर इसका फोर, यहाँ पे दोनों एंट्रीज जो हैं वो माइनस में हैं तो हम इसको करेंगे प्लस, माइनस सेवनटीन साइन माइनस की आएगी, इसी तरह से माइनस थ्री माइनस फोर होगा प्लस, साइन यहाँ पे माइनस की आएगी, यहाँ पे आएगा सेवन, और जीरो माइनस टू यहाँ पे माइनस टू ही होगा। तो इसका आंसर है फोर माइनस सेवनटीन सेवन माइनस सेवन और माइनस टू। तो ये आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1 पॉइंट, एक्सरसाइज रिव्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर फोर है, और क्वेश्चन नंबर फोर का शॉर्ट क्वेश्चन थ्री है हमारे पास। उसमें है माइनस थ्री इंटू ए प्लस टू बी। तो जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे किए हैं उन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया गया था, यहाँ पे हमने पहले इसको जो बाहर हमारे पास डिजिट था मैट्रिक्स से उसे हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस था तो प्लस किया, उसके वो हमारा उसके बाद फाइनल आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को हल करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए लिखते हैं माइनस थ्री ए मैट्रिक्स टू थ्री वन जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई है बी मैट्रिक्स के साथ फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ए मैट्रिक्स को हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस टू को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टू को हमने फाइव से मल्टीप्लाई किया टेन, टू को फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस एट, टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर, टू को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस टू। ये डिटेल में यहाँ पे लिख के हमने नहीं किया, इसको हम जुबानी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ब्रैकेट में इसको हल कर रहे हैं इसलिए ये हिस्सा जुबानी हो सकता है। माइनस थ्री, अब हमने इसको करना है प्लस टू प्लस टेन थ्री प्लस माइनस एट वन प्लस माइनस फोर जीरो प्लस माइनस टू माइनस थ्री। अब हमने इसको प्लस करके इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे टू प्लस टेन ट्वेल्व, प्लस माइनस माइनस एट में से थ्री माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस फाइव, प्लस माइनस माइनस फोर में से वन माइनस होगा माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस टू। अब हमने इस थ्री को यहाँ पे मैट्रिक्स जो हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद प्लस करने के बाद जो आंसर आया है उसके साथ हमने माइनस थ्री को हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आंसर में आएगा थ्री को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री इंटू ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू टू। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा माइनस 36 प्लस 15 प्लस 9 माइनस 6। यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस सिक्स की बजाय यहाँ पे सिक्स आंसर आएगा। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का, जो क्वेश्चन नंबर फोर का शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर का शॉर्ट क्वेश्चन फोर हमारे पास है, इसमें है 2 / 3 × 2a − 3b। तो बच्चों यहाँ पे इसको हल करने के लिए भी हम ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले हल करेंगे। पहले हम वहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई का है या माइनस है प्लस है, पहले हम उसको हल करके उसे उसका आंसर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम जो बाहर हमारे पास है 2 / 3 उसको हम एंड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 2 / 3, 2a मैट्रिक्स हम लिखेंगे, 2, 3, 1, 0 −3b मैट्रिक्स लिखेंगे, 5 −4 −2 −1। तब तक हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे जब तक हमारे पास एक मैट्रिक्स की सूरत में आंसर नहीं आ जाता। 2 / 3, यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1, 2 × 0। इसी तरह से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 − 3 × −4 − 3 × −2 − 3 × −1। 2 / 3, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। उसके बाद यहाँ पे 3 जो है हमने जब मल्टीप्लाई इसको कर लिया है तो यहाँ लिखने की इसको जरूरत नहीं है। इसके लिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को −4 से मल्टीप्लाई किया −12, 3 को −2 से मल्टीप्लाई किया −6, 6 को −1 से, 3 को −1 से मल्टीप्लाई किया तो −3 आंसर। अब ये हमारे पास आंसर है, इसको हमने करना है माइनस, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे, 4 − 15, 6 − −12, 2 − 6, 0 − −3। टू डिवाइडेड बाय थ्री आंसर हमारे पास आएगा, 15 में से हमने 4 को माइनस करना है, यहाँ पे −11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हुए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ आएगा 3। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर लिख लेते हैं, 2 / 3 −11, 18, 8, 3, 2 / 3 × −11, 2 / 3 × 18, 2 / 3 × 8, 2 / 3 × 3। तो बच्चों यहाँ पे हम 11 − 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, −22 / 3 होगा, और यहाँ पे 18 को करेंगे तो 36 / 3, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 / 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 / 3। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, −22 / 3, 16 / 3 ये वैसे ही आएंगे, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे आएगा 12, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे आएगा 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है,
रिड्यूस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया वो हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन।